गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, जयंत चौधरी से जब पत्रकारों ने बीजेपी के ऑफर को लेकर सवाल पूछा तो दो टूक उनकी ओर से कह दिया गया, मैं चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊंगा। क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, देखिए सह सम्मान एक बात कहूंगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या बदला है मैं आपको बताता हूं। क्या बड़े मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा, हम सब जानते हैं, जो जाट समाज होता है बड़ा ही स्वाभिमानी होता है, राष्ट्रभक्त होता है, और किसने उसके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाई थी? 2013 मुजफ्फरनगर दंगे याद करिए, जाट समाज की जो हमारी बहनें हैं किस तरह से उनके साथ गलत हरकत करी गई, और जब आरोपियों को पकड़ के पुलिस थाने ले जाया गया तो आजम खान जो कैबिनेट मंत्री थे उन्होंने कहा इन्हें छोड़ दिया जाए। उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे हुए, आज वो आजम खान जेल की सलाखों के पीछे हैं, और आज तक की रिपोर्ट है, एक स्टिंग ऑपरेशन किया था आज तक ने, जिसमें ये सामने आ गया था कि पुलिस कर्मी कह रहे हैं कि हमने तो पकड़ लिया आरोपियों को, लेकिन ऊपर से आजम खान का फोन आया और हमें छोड़ना पड़ा। आज स्थिति ये बदली है, किसी की हिम्मत नहीं है कि दंगा करा दे, सौहार्द है, शांति है और कानून का राज है। दूसरी बात, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था चित्रा जी, कैराना में हिंदू जो है उनको डरा के धमका के नाहिद हसन जैसे लोग जिनको सपा टिकट देती है भगा दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया कानून का राज क्या होता है, वर्दी की ताकत क्या होती है। जो परिवार चले गए थे चित्रा जी वो अपने घरों में लौट पाए हैं, क्या वो आशीष, क्या वो दुआ नहीं देंगे? वो देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब सौहार्द से रहें। और तीसरी बात, गन्ना। देखिए हम गन्ने की बात कर रहे हैं और मैं अभी आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं, ये जिन्ना जिन्ना की बात करते हैं। 11,000 करोड़ रुपए जो बकाया थे उसका भुगतान किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान और किया। समाजवादी पार्टी में ये 95,000 करोड़ था और बकाया भी नहीं दे पाए थे। इसके अलावा तमाम और चीजें हैं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बीमा सुरक्षा योजना, उनकी फसल को अगर नष्ट हो जाए तो हम बीमा देते हैं। ये सब बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये लोग लगे हुए नाहिद हसन जैसे लोगों को लाने में, जो कहते हैं ये सब बड़े मुद्दे हैं, कुछ भी खरीदना। उसके बावजूद अगर जाट नेताओं को बुलाकर मनाने की कोशिश की जा रही है तो आखिर डर कहां पर है? यही तो सवाल है ना गौरव जी। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी एक एक कमेंट बाकी मेहमानों का भी, अनुराग भदौरिया सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है, 10 सेकंड बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए। देखिए जाट समाज को सम्मान दे रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश यादव में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाट समाज के लोगों के साथ बैठ जाए, क्योंकि उनको लगता है कि वो जालीदार टोपी वाले खिसक ना जाएं। और ये जो सम्मान हम देते हैं ना, इसीलिए जाट समाज हमारे साथ खड़ा रहता है। एक भावनात्मक जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो आपको 10 मार्च को दिखेगा।